अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सकलैन फ्रॉम क्रिप्टो क्रेजी। वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो रेगुलेशंस है। इन रेगुलेशंस को ओवरकम करने के लिए हैवी फीस पे करना पड़ती है और दूसरी बहुत सारी अदर डिफ़िकल्टीज होती हैं। इन सब मसाइल को हल करने के लिए अलायंस ब्लॉक बनाया गया है। अलायंस ब्लॉक का सिंबल ALBT है। अगर हम इसकी करंट प्राइस को देखें तो 0.80 है। इसकी रैंकिंग जो करंट रैंकिंग है वो 268 है और ये ERC20 टोकन है। इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है, जबकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 232 मिलियन है। अगर हम इसके चार्ट को देखें, इसका 1 डे चार्ट है, ओवरऑल मार्केट क्रैश हुई है जिसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे जा रही है। ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं, इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं। इसका ऑल टाइम हाई ये 1.35 तक गया है और ऑल टाइम लो 0.04294 पर। देख लेते हैं आप इसे कौन कौन सी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। उसमें कूकॉइन है, यूनिस्वाप है, कूकॉइन, बिटफिनेक्स है। इस एक्सचेंज से आप इसे इजीली USDT के पेयर के साथ बाय कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। अलायंस ब्लॉक का एम है कि एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल मार्केट बनाना जो कंप्लायंट करेगी विद लोकल एंड क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशंस। ये टू लेयर सॉल्यूशन है जो ब्रिज बनाता है बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंसेस एंड डिफाई। ये क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स की कन्वर्जन को ऑटोमेट करता है इनटू बैंकेबल प्रोडक्ट्स। हाउ इट वर्क्स, अलायंस ब्लॉक 3 लेयर्स पर काम करता है, जिसमें इसकी पहली लेयर क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी कंप्लायंस लेयर है, सेकंड लेयर डाटा गवर्नेंस एंड प्राइवेसी लेयर है, थर्ड लेयर ट्रांजैक्शंस एंड वर्कफ्लो लेयर है। अगर हम अलायंस ब्लॉक के इकोसिस्टम को देखें तो अलायंस ब्लॉक प्रोटोकॉल ब्रिज बनाता है बिटवीन बैंक्स, लीगल फर्म्स, फिनटेक प्रोवाइडर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस। अगर हम इसके यूज़ केसेस को देखें तो इसका जो पहला यूज़ केस है वो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी को सिंप्लीफाई करना है। रेगुलेटरी डिजिटल एसेट ऑफरिंग है, कंप्लायंट डिसेंट्रलाइज्ड ओपन फाइनेंस सॉल्यूशन है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी डिजिटाइज्ड डेरिवेटिव्स, कंप्लायंट P2P लेंडिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ये सारे प्रोटोकॉल की जो बैकबोन है वो ALBT टोकन है। ALBT टोकन यूटिलिटी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टोकन बर्न, स्टैकिंग, नेटवर्क फीस, टोकन बर्न, मीन्स ऑफ रिवॉर्ड। अगर हम इनके पार्टनर्स को देखें तो इनके पार्टनर्स में क्वांट है, होलो चेन है, चेन लिंक है, लंदन एक्सचेंज है, किक स्टार्ट है, फिन लैब है, सर्टिक, GBG, यूनिजन और हडीरा हैशग्राफ है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को कैसे रेगुलराइज करेगा, ये एक ISIN नंबर अलॉट करेगा हर एक ट्रांजैक्शन को। ISIN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस नंबर के ज़रिए किसी भी ट्रांजैक्शंस को इजीली मॉनिटर किया जा सकेगा और उसका प्रॉपर ट्रैक रखा जा सकेगा। अगर हम इसकी फ्यूचर प्राइस को देखें कि इसकी फ्यूचर प्राइस किधर तक जा सकती है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन गो टू $1 to $1.5, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से देख लेते हैं। अगर ये मार्केट कैप अटेन करेगा BNB का तो इसकी प्राइस 189, अगर एटम का मार्केट कैप अटेन करेगा तो $31, स्टेलर का करेगा तो 22, ई कैश का करता है तो 14, शिबा इनू का करता है तो 12, हडीरा हैशग्राफ का करता है 10.9, अगर वेव्स का करता है 7.94, अगर बिट टोरेंट का करता है 7.53, अगर होलो का करता है तो 4.96। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो kindly लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।